तो बच्चों, मैं सतेन सिंह। आज बच्चों हम लोग देखेंगे गॉस का जो एप्लीकेशन था उसका तीसरा एप्लीकेशन। ठीक है, गॉस के थ्योरम पर आधारित जो हम लोग एप्लीकेशन देख रहे थे, आज हम लोग तीसरा एप्लीकेशन देखेंगे। और ये सभी के सभी एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो आइए शुरू करते हैं। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो क्या है, एक समान आवेशित अनंत विस्तार के समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र। मान लो बच्चों, एक क्या कहते हैं समतल चादर है, मान लो एक क्या है ये प्लेट है। ठीक है, ये क्या है प्लेट है। अब अनंत विस्तार मतलब इसका जो विस्तार है वो बहुत दूर तक है, ऐसे फैला हुआ। ये तो छोटा सा है लेकिन इसका जो विस्तार है बच्चों वो क्या है, बहुत फैला हुआ है। ठीक है, तो बच्चों इसीलिए हमने क्या दिखा दिया, ये यहाँ पर ऐसे दिखा दिया। इसका मतलब क्या होता है कि आगे भी ये प्रोसेस जारी है। ठीक है, और उस पर जो आवेश है वो एक समान रूप से इस पर क्या हुआ है, फैला हुआ है। ये एक समान रूप से बच्चों क्या हुआ है, आवेश इस पर फैला हुआ है। अब अगर आवेश इस पर फैला हुआ है तो हमने कहा कि इस चादर से, इस सीट से, यहां से आर दूरी पर, मतलब यहां पर, इस जगह पर, यहां पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, अब ये ऐसे है तो अगर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो यहां से एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो हम बच्चों क्या करेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले उस बिंदु से हम गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे। तो बच्चों क्या गॉसियन पृष्ठ हमारा ऐसे ही होगा, ऐसे मान लेते हैं। तो बच्चों ये क्या सिलेंडर के रूप में हुआ, एक आपका बेलन के रूप में हुआ। तो अब ये सामने से ये क्या हो गया, अब वैद्युत बल रेखाएं कहाँ होंगी, ऐसे गई होंगी। वैद्युत बल रेखाएं जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं वो ऐसे गई होंगी। तो बच्चों हमने क्या किया, यहां से एक सिलेंडर को बच्चों हमने मान लिया, कल्पना कर लिया कि ये एक सिलेंडर है ये। ठीक है, एक ये सिलेंडर हमने, ये गॉसियन सरफेस बना लिया बच्चों। ठीक है, और यहां से ये आर दूरी पर एक बिंदु पी ले लिया। अब बच्चों अगर ये सरफेस है, ये सरफेस है, इस पर आवेश है तो इधर भी होगा, इधर भी वैद्युत क्षेत्र होगा और इधर भी होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिलेंडर जो है वो ऐसे इधर भी होना चाहिए और ऐसे इधर भी होना चाहिए, मतलब इसको ऐसे पार करता हुआ एक सिलेंडर होना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों हमने ये सिलेंडर लिया और ये इसके दोनों साइड है। ठीक है, तो यहां बिंदु P है, यहां बिंदु P है और यहां बिंदु हम P' मान लेते हैं यहां पर। तो आइए बच्चों देखते हैं, यहां पर माना अनंत विस्तार की एक समतल चादर पर एक समान आवेश वितरित है, मतलब ये सीट है इस पर एक समान रूप से जो आवेश है वो क्या हुआ, फैला हुआ है। ठीक है, जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व, आप जानते हो बच्चों लंबाई के कारण आवेश घनत्व क्या होता है, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा। क्षेत्रफल या पृष्ठ के कारण बच्चों क्या होता है, सिग्मा होता है। और बच्चों आयतन के कारण क्या होता है, क्या होता है बताइए, रो होता है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या, हमने कहा कि जिस जो इसका आवेश घनत्व है वो क्या है, सिग्मा है। अब यहां पर आवेश घनत्व सिग्मा है चादर के निकट स्मॉल आर दूरी पर, ये चादर है इस शीट से निकट स्मॉल आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस बिंदु पर वैद्युत पी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब बच्चों हम यहाँ क्या करेंगे, चादर के दूसरी, अब हम यहाँ क्या करेंगे, गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे। और गॉसियन पृष्ठ बनाने के बाद हम देखेंगे कि चादर के दूसरी ओर स्मॉल आर दूरी पर बिंदु P' है और यहाँ सीट, जो सीट से क्या हो रहा है, आर पार जाने वाली बेलनाकार ए क्षेत्रफल का गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। मतलब यहां से इधर भी हम ले लेंगे चाहे इधर निकाले, दो के दोनों साइड निकाल सकते हैं। और यहां से जो हम गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे वो एक क्या होना चाहिए, बेलना आकार का होना चाहिए, एक सिलेंड्रिकल होना चाहिए, सिलेंडर के आकार का होना चाहिए। अब ये अगर बच्चों सिलेंडर के आकार का है तो दोनों को ऐसे क्रॉस करते हो जाएगा, दोनों साइड रहेगा, तो उसका क्षेत्रफल बच्चों कितना हम लिए हैं, ए। अब बच्चों इस सिलेंडर पर बच्चों कितने सरफेस होंगे, तो बच्चों वही फिर बात आई, तीन सरफेस होंगे सिलेंडर पर, कितने होते, तीन, एक ये सरफेस, एक ये सरफेस और एक ये सरफेस। ठीक है, तो बच्चों अगर यहां से देखें तो एक ये सतह हो गई, एक ये वाला हो गया बच्चों, और एक ये वाला सरफेस हो गया और एक ये कर्व वाला सरफेस। ठीक है, तो अब ये S1 S2 और S3 है। अब बच्चों हमारा जो अगला काम होता है क्या होता है, हम DS और E के बीच का हम क्या देखते हैं, एंगल देखते हैं, कोण देखते हैं। तो बच्चों यहां पर अगर हम ये सरफेस लेते हैं तो यहां पर क्या वैद्युत बल रेखा की दिशा बच्चों इधर होगी, E की दिशा ऐसे होगी कि नहीं बताओ, क्या बच्चों E की दिशा इधर की ओर होगी,
ऐसे इधर की ओर, और ई की दिशा इधर होगी, तो बच्चों क्या डीएस की दिशा भी इधर ही होगी, तो बच्चों डीएस और ई की दिशा क्या होगी सेम, थीटा का मान बच्चों कितना हो जाएगा 0 डिग्री। समझ में आ गया, बताओ बच्चों सहमत हो कि नहीं। दूसरा बच्चों अगर देखें तो अगर वैद्युत बल रेखा ऐसे गई है तो ई की दिशा बच्चों किधर हो जाएगी, इधर हो जाएगी, और बच्चों अगर हम ये क्षेत्रफल लेते हैं तो इसकी दिशा भी क्या हो जाएगी डीएस की दिशा भी इधर, तो थीटा बराबर कितना 0 डिग्री, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में है। लेकिन बच्चों ये जो कर्व वाला सरफेस है, अब बच्चों वैद्युत बल रेखा इधर गया है, कर्व सरफेस इधर है, तो ऊपर ऐसे, तो दोनों के बीच का जो कोण होगा वो बच्चों क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए, 90 डिग्री। अगर बच्चों हम एक छोटा सा ये क्षेत्रफल ले लेते हैं तो यहाँ पर दिशा डीएस की जो दिशा होगी बच्चों ये क्या है S3, ठीक है, जो डीएस की दिशा होगी इधर और ई की दिशा इधर, तो दोनों के बीच जो बच्चों कोण बन गया वो क्या बन गया 90 डिग्री, तो यहाँ पर थीटा कितना 90 डिग्री। समझ में आ गया। अब इस पूरा गौसियन पृष्ठ से बच्चों हमें क्या देखना है, फ्लक्स देखना है, तो पूरे गौसियन पृष्ठ से जाने वाला जो फ्लक्स होगा क्या होगा, क्लोज इंटीग्रेशन आप ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, और बच्चों हम तीनों सतह का कंसीडर करेंगे, तो पहली सतह का अगर लेते हैं तो ई डीएस कॉस 0, क्योंकि यहाँ थीटा का मान बच्चों कितना है 0, फिर दूसरा सरफेस लेंगे ई डीएस कॉस 0, क्योंकि यहाँ पर भी थीटा का मान कितना है 0, और तीसरे वाले का लेंगे ई डीएस कॉस 90, क्योंकि यहाँ थीटा का मान कितना है 90। समझ में आ गया। अब बच्चों आगे देखते हैं, ठीक है, अगर ना समझ में आए तो आप बच्चों कमेंट में जरूर बताइएगा, आप बताइएगा समझ पाते हो कि नहीं, क्योंकि बच्चों देखो क्लास का एक अलग फील होता है, क्लास में बच्चे होते हैं बैठे होते हैं, अगर नहीं समझ में आता तो बच्चे तुरंत बोल देते हैं। अब कैमरे के इस पार हम, उस पार आप, ना आप मेरी फीलिंग को समझ पा रहे हो, मैं भी बार बार कह रहा, समझ पा रहे हो कि नहीं, आप भी करो पता नहीं क्या पढ़ा रहा है ये, ठीक है। अब बच्चों यहाँ से क्या कर देंगे, क्लोज इंटीग्रेशन आप ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, तो यहां से बच्चों कॉस 0 का मान 1, तो सरफेस S1 का अगर देखिए तो क्या होगा ई डी एस, क्योंकि 0 का मान 1, कॉस 0 का मान 1, तो गुणा करेंगे एक ही होगा। ऐसे दूसरा लेंगे बच्चों क्या होगा S2 ई डी एस, क्योंकि इसका 0 का मान 1, कॉस 0 का मान 1, तो इसका क्या हो जाएगा 1 का गुणा, और बच्चों ये 90 है तो पूरा क्या कर देगा 0 कर देगा। अब बच्चों यहां से हमने क्या किया, ई को बाहर निकाला, क्या हो जाएगा डीएस, ठीक है S1, और यहां बच्चों क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ऐसे S2 ई हमने बाहर निकाली, ये क्या होगा डीएस। अब बच्चों हमने यहां पर जो ये सीट है उसका क्या माना था बच्चों के, कहते हैं एक तो हमने छोटा सा ये क्षेत्रफल लिया है, ये क्या है, हमने छोटा सा ही तो क्षेत्रफल लिया है, इतना ही जो यहां पर है, एक छोटा सा क्षेत्रफल लिया है। अब अगर हमने टोटल एरिया कितना माना ए, तो यहां पर अगर छोटा सा क्षेत्रफल डीएस लिया है तो इसका इंटीग्रेशन कर दिया तो क्या मिल जाएगा बच्चों, ए मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा ए। तो हम यहां पर इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, ई इंटू क्या लिखेंगे ए प्लस, ये भी क्या होगा ई इंटू ए। अब यहां से क्लोज इंटीग्रेशन आप ई डॉट डीएस इतना कितना हो जाएगा 2EA हो जाएगा, ठीक है बच्चों समझ पा रहे हो ना, अब इतना हो गया। अब बच्चों हम क्या करेंगे, जो हमारा गॉस नियम है उसको लगाएंगे यहां पर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, तो बच्चों यहां पर हम क्या करते हैं वैल्यू को अब पुट करते हैं। अगर बच्चों हम यहां वैल्यू को रख देते हैं तो यह क्या होगा 2EA क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चों यहां से हम क्या करेंगे यहां पर, ठीक है e का मान निकालेंगे, तो e का अगर मान निकालेंगे तो q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये 2a इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा इनटू 2a। समझ पाया बच्चा। अब यहां पर क्या हो गया e इक्वल टू q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू e, इतना हो गया बच्चों। अब यहां पर बच्चों एक बात आती है, क्या बात आती है जरा देखते हैं, ये तो इतना आ गया बच्चों। अब हम लोग यहां जानते हैं कि सिग्मा दिया है, तो सिग्मा बराबर क्या होता है क्यू अपान ए होता है, तो यहां से बच्चों अगर हम क्यू का मान निकालें तो सिग्मा इंटू क्या हो जाएगा ए होगा कि नहीं, तो बच्चों ये वैल्यू यहां पुट करते हैं तो ई बराबर क्या हो जाएगा क्यू की जगह पर सिग्मा इंटू ए, और ये बच्चों 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। अब बच्चों ये बताओ
ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और कई बार बच्चा पूछा गया है, ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, किसी न किसी सेट में जरूर आ जाते हैं, ठीक है। और ये क्लियर है कि ये एक छोटे से चैप्टर में, जो गॉस थ्योरम में एक छोटा सा चैप्टर है, इसके चार एप्लीकेशन में से कोई ना कोई श्योर, पांच एप्लीकेशन में से कोई ना कोई श्योर 100% आता है। तो बच्चों यहां से अगर देखें तो यहां से ए से ए क्या हो गया, कट गया। अगर ये बच्चों कट गया तो यहां से क्या बचेगा, ई बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये बच्चों क्या हो गया, वायु क्षेत्र की तीव्रता हमें मिल गई, कितना न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है बच्चों। तो एक प्लेट से प्राप्त होने वाली, अगर बच्चों ये हमने प्लेट रख दिया तो बच्चों इस पर आवेश ऐसे फैला हुआ है समान रूप से, और यहां से स्मॉल आर दूरी पर अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखें तो यहां पर बच्चों क्या होगा आपका, सिग्मा पान 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हो बच्चों, कोई दिक्कत? तो यही बच्चों क्या था, डेरिवेशन आपका था, और इतना ही बच्चों आपको करना होता है। लेकिन बच्चों यहाँ पे कुछ चीजें हम और सीखेंगे, ठीक है। आप इतना नोट करो, फिर हम आगे बात करते हैं, ठीक है बच्चा। आइए आगे बात करते हैं। अब बच्चों यहां पर कुछ केसेस हैं जिसको हमें सीखना पड़ेगा। डेरिवेशन तो इतना आएगा, इससे ज्यादा आप करिएगा भी मत, ठीक है। अब बच्चों कुछ अदर चीज सीख लेते हैं, इसका क्या मतलब एप्लीकेशन है, इस फार्मूले का कहाँ हमारे ये काम में आने वाला है, ठीक है। इस चीज के बारे में हम लोग देखेंगे। अब यहां पर हम क्या करेंगे, जैसे केस अगर हम फर्स्ट देखें, केस अगर बच्चों हम पहला इसमें देखें, तो बच्चों जो चादर होता है, अगर बच्चों मान लो ये एक सीट है, एक चादर है, ये है बच्चों, तो ये क्या है, ये बहुत पतला चादर है, ठीक है। आप चाहे इस तरफ आवेश दो चाहे इस तरफ, बराबर रहेगा। लेकिन बच्चों अगर हमारे पास कोई एक मोटा सा चादर आ गया, कोई एक मोटा सा सीट आ गया, ठीक है बच्चों। जैसे मान लो एक हमारे पास ये मोटा सा सीट आ गया, ठीक है। ये क्या है, एक मोटा सा सीट है। अब बच्चों इसका ये क्या है, इसकी मोटाई है, ये क्या है, इसकी मोटाई है। अगर ये इसकी बच्चों मोटाई है, तो इसका एक ये प्लेट हो गया और एक ये हो गया, दो पार्ट हो गए ना। तो सामने से अगर बच्चों हम लोग देखें तो क्या कुछ ऐसे दिखेगा, सामने से क्या होगा, कुछ ऐसे दिखेगा। तो अगर इसी सीट को हम मोटे तौर पर अगर इस साइड से देखें तो बच्चों कैसे दिखेगा, क्या बच्चों कुछ इस आकार का ऐसे दिखेगा, बताओ। तो बच्चों हम कहेंगे कि ये इसका एक ये सरफेस हो गया, इधर वाला सरफेस हो गया और एक इधर वाला सरफेस। नहीं समझ पा रहे हो, फिर से समझो। ये एक किताब है, ठीक है, ये सीट है मान लो। अगर आप सामने से देखो कि बच्चों क्या यही दिख रहा है कि नहीं, केवल आप इतने को देखो, ये दिख रहा है। अगर आप देखो तो इस साइड लाइन वाला क्या इस सरफेस को बताएगा, और इस साइड वाला इस सरफेस को बताएगा। तो बच्चों हम यहाँ क्या कर सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर एक चादर लें, समझिएगा ठीक है, अगर यहाँ पर हम लें, जैसे कि मान लो एक ये चादर है, ठीक है, ये क्या है, एक चादर है, एक प्लेट है, ठीक है, एक बच्चों यहाँ पर प्लेट है, और यहाँ पर ये क्या है, ये पहला उसका सरफेस है, पहला सरफेस है, और ये बच्चों क्या है, दूसरा वाला सरफेस है, एक इस साइड वाला सरफेस, एक इस साइड वाला। अब इस सरफेस में बच्चों ये बच्चों क्या है, धनात्मक आवेश ऐसे है, ठीक है, और इस पर बच्चों धनात्मक आवेश कैसे है, ऐसे है यहाँ पर। तो अब बताओ बच्चों इसकी क्या है, कुछ ना कुछ मोटाई। बच्चों एक चीज जान लो, हमने क्या किया, ये बच्चों सरफेस है, यहां पर हमने क्या करना है, आवेश देना है। मान लो बच्चों हम आवेश इस पर देते हैं, तो बच्चों यहां पर हमने ऐसे लगाया और आवेश ऐसे दे दिया, तो बच्चों इसके अंदर हमने आवेश दिया। लेकिन एक चीज जान लीजिए, जब कोई प्लेट होता है, कोई कंडक्टर मटेरियल होता है, उसमें कुछ ना कुछ मोटाई होती है, तो उसका जो आवेश वो अंदर नहीं होता है, वो उसकी सरफेस पे आ जाता है। हमने दिया कहाँ बच्चों, इसके अंदर दिया, लेकिन वो कहाँ आ जाएगा, इसके सरफेस पर आ जाएगा, ये क्वालिटी होती है, ठीक है। तो अगर ये इसके सरफेस पे आ जाएगा तो बच्चों ये इधर के सरफेस पे आ जाएगा, इधर के सरफेस पे, और यहाँ बच्चों जो
ई का मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर आवेश रहेगा ही नहीं, जब आवेश यहां होगा ही नहीं, हम यहां पर आवेश दिए ये यहां चला गया, यहां चला गया, तो अब यहां आवेश है ही नहीं, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बच्चों क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि अगर हम इस आवेश के कारण देखें तो इस पर जो आवेश है इसके कारण E1 की दिशा, तो E1 की दिशा बच्चों क्या होगी, ये होगी, और यहां पर ये E1 की दिशा हो गई। अगर इसके बारे में बात करें तो बच्चों क्या होगा, ये बच्चों E2 की दिशा हो गई, E2 की दिशा हो गई। ठीक है, मान लो बिंदु P पर हमें क्या करना, आवेश चेक करना कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चेक करनी है, इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें चेक करनी है। ठीक है, एक वो है चालक छड़ है, ये मोटा वाला एक प्लेट है, ये मोटा वाला प्लेट है, और यहां पर हमें देखना है, तो हमें अगर यहां पर देखना है तो बच्चों हमें इसके कारण वैद्युत क्षेत्र मिलेगा, हमें इसके कारण भी वैद्युत क्षेत्र मिलेगा, तो हम देखते हैं कैसे यहां पर होगा। तो यहां पर अगर बच्चों हम निकाले तो बच्चों E1 के कारण अगर वैद्युत क्षेत्र निकाले तो आप जानते हो सीट से जो हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिलती है वो क्या, यही फार्मूला हमारा है। तो बच्चों अगर E1 निकाले क्या होगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसका जो आवेश घनत्व है बच्चों दो को दोनों का क्या है, सिग्मा है, E1 बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ऐसे बच्चों E2 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। अब बिंदु P पर अगर टोटल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले यहां पर तो बच्चों क्या हो जाएगा, दोनों का डायरेक्शन सेम है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, एक सदिश राशि होती है, दोनों का अगर डायरेक्शन सेम है तो क्या हो जाएगा, E1 प्लस बच्चों क्या हो जाएगा, E2। बताओ बच्चों होगा कि नहीं, तो यहां से क्या हो जाएगा, E1 कमान 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चों बताओ यहां से सीधा देखो ये क्या हो जाएगा, जुड़ेगा, अगर ये एक है ये एक है तो कितना हो जाएगा, दो, तो हम यहां से लिख सकते हैं कि E बराबर 2 इंटू सिग्मा 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट। क्या बच्चों यहां 2 से 2 कट गया, तो E बराबर सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, तो बच्चों ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों अगर मोटे सीट के लिए कहे तो बच्चों आप सीधा सीधा मोटे सीट से, जैसे अब तक हमने क्या निकाला, एक पतला सीट निकाला, तो हमने निकाला तो ये पतला सीट है और यहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र तीव्रता निकाली है, कितना आएगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा। लेकिन बच्चों अगर यही मोटी प्लेट हो, मोटी प्लेट हो, ढेर सारी मोटी प्लेट हो, तो बच्चों क्या हो जाएगा, एक इसके कारण होगा और एक पीछे वाले सरफेस के कारण होगा, और दोनों की दिशा बच्चों क्या होगा, एक ही होगा, तो बच्चों यहां से जो हमें फ्लक्स मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता मिलेगी, इतना मिलेगा। क्लियर हो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना। अब बच्चों यहां पर हम आगे बात करते हैं, आप उतारो इसे, केस सेकंड देखते हैं। ठीक है, केस सेकंड, आइए बच्चों देखते हैं केस सेकंड। अगर बच्चों केस सेकंड में देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है केस सेकंड, आगे चल के इसका यूज भी होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आगे चल के इसका हम यूज करेंगे। अगर बच्चों हम यहां देखें कि हमारे पास एक प्लेट है, ये क्या है, एक हमारे पास प्लेट है, इस पर बच्चों क्या है, वैद्युत आवेश ऐसे है। ठीक है, इस पर क्या है, वैद्युत आवेश अगर है, और एक ये प्लेट है ऐसे, दोनों समांतर प्लेट एक दूसरे के ऐसे रखे हैं। ठीक है, अगर बच्चों आप इसका फ्रंट व्यू देखो, अगर ऐसे, तो एक मान लो एक ये प्लेट ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, एक ऐसे ये प्लेट रखा हुआ है, एक ऐसे ये प्लेट रखा हुआ है, ठीक है बच्चों, ऐसे, ठीक है, हम दिखा रहे हैं आप समझिएगा, जैसे ये है, एक ये प्लेट है और एक ये प्लेट है, ठीक है, दोनों ऐसे रखे हुए, इस पर भी आवेश है, इस पर भी आवेश, पतला प्लेट है, ठीक है, क्या है, पतला प्लेट है। अब बच्चों यहां पर अगर देखें कि अगर ये प्लेट है तो इसको हम तीन जोन में बांट दें, तीन रीजन बांटते हैं, ये पहला रीजन हो गया, ये दूसरा रीजन हो गया, ये बच्चों क्या हो गया, तीसरा रीजन हो गया। ठीक है, तीन पार्ट में बांटते हैं, इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, E1, और इस पर कितना है, E2। ठीक है, और बच्चों यहां पर अगर देखें तो यहां पर इनका जो आवेश है वो क्या है, आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा है। ठीक है, इनका जो बच्चों आवेश घनत्व है वो क्या है, सिग्मा है। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं,
अब इसका आवेश घनत्व सिग्मा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर हम प्लेट को देखें तो बच्चों ये प्लेट ऐसे रखा हुआ है, ऐसे ही दोनों ऐसे रखे हुए हैं। तो अगर हम देखें तो बच्चों अगर ऐसे प्लेट रखा हुआ तो एक इधर का, एक बीच वाला, एक इधर वाला, ठीक है बच्चों। तो अगर हम यहां पर देखें तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है। तो अगर बच्चों हम यहां पर देखें, इसके कारण रीजन वन में इधर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E1 का बच्चों मान क्या होगा, ये होगा। E1 की दिशा किधर होगी, इधर की साइड होगी, होगी कि नहीं बच्चों। और इससे क्या होगा, इधर का देखेंगे तो बच्चों E2 की भी दिशा क्या होगी, इधर ही होगी, E2 की दिशा भी इधर होगी। अब एक चीज ये बताइए बच्चों, अब अगर देखें E1 की दिशा इधर, E2 की भी दिशा इधर, ठीक है, इस प्लेट के कारण दिशा इधर, अगला प्लेट के कारण भी दिशा इधर, ठीक है। जैसे ये है, इसके कारण दिशा इधर और इसके कारण भी बच्चों दिशा इधर, ये E2 है, ये क्या है, E1 है। तो E1 का बच्चों ये डायरेक्शन, ये और E2 का भी डायरेक्शन, ये दोनों का डायरेक्शन सेम। अब बच्चों एक चीज करेंगे, प्लेट के लेफ्ट साइड वाले को हम माइनस मान लेते हैं, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, एक सदिश राशि है। तो प्लेट के बाएं क्षेत्र वाले पे हम जो लेफ्ट बच्चों ले रहे हैं, लेफ्ट साइड में क्या होगा, ई को हम माइनस में लेते हैं, और बच्चों राइट साइड में हम ई को बच्चों किस में ले लेते हैं, प्लस में ले लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब यहां पर अगर हम यहां देखते हैं, ये है, तो बच्चों यहां पर रीजन वन में अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें तो क्या होगा, ई नेट अगर बच्चों निकालें तो क्या हो जाएगा, E1 प्लस क्या होगा, E2। अब बच्चों आप जानते हो कि ये सदिश राशि है, ये क्या है, सदिश राशि है, तो क्या हो जाएगा, ई नेट बराबर क्या होगा, E1 की दिशा माइनस में, इधर E1 हो जाएगा, और ये भी इधर है, तो माइनस क्या हो जाएगा, E2। और आप जानते हो एक प्लेट के कारण जो हमें वैद्युत क्षेत्र तीव्रता मिलती है वो इतना मिलती है, तो -σ/2ε₀, -σ/2ε₀। और यहां से बच्चों जो ई नेट है वो कितना आ जाएगा, ई नेट बच्चों कितना आ जाएगा, 1 1 2, -2σ/2ε₀ कट गया, तो माइनस में σ/ε₀। तो बच्चों ई का मान जो आया वो आया बच्चों σ/ε₀, ठीक है। अब ये माइनस जो साइन है, ये जो माइनस साइन है बच्चों, ये क्या बताता है कि ये जो निगेटिव साइन है, निगेटिव साइन बताता है कि ई की दिशा लेफ्ट साइड में है, कहां, लेफ्ट साइड में है, क्योंकि बच्चों दोनों की दिशा इधर, तो जो नेट ई आएगा उसकी दिशा बच्चों किधर होगा, इधर ही होगा ना। देखो ये इधर है और ये भी इधर है, इसके कारण दिशा ये, इसके कारण जो दिशा है ये इधर है और इसके कारण भी दिशा इधर। तो जब दोनों एक ही तरफ लग रहे हैं तो जो इनका जो नेट के कहते हैं डायरेक्शन आएगा ई का, वो बच्चों क्या होगा, उधर ही होगा ना, समझ पा रहे हो ना, उधर ही होगा, क्लियर हो। तो बच्चों ये माइनस साइन क्या बताएगा, ये बताएगा। अब बच्चों हम ऐसे क्या करें, रीजन रीजन सेकंड का बच्चों हम लोग निकालें। अगर रीजन सेकंड का निकालते हैं, जरा समझिएगा, मैं इसे मिटा रहा हूं, ठीक है। ये अगर बच्चों हम रीजन सेकंड का निकालें तो क्या होगा, ई के कारण, मतलब रीजन सेकंड मतलब ये, तो ई के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चों किधर हो जाएगी, E1 इधर, और E2 के कारण बच्चों किधर हो जाएगी, इधर। समझ पा रहे हो, नहीं समझ पाए फिर समझो। जैसे बच्चों ये प्लेट है और ये प्लेट है, ठीक है, दोनों ऐसे रखे हैं, तो अगर हम ये E1 है तो इसकी दिशा बच्चों कहाँ होगी, इधर, और इसकी दिशा बच्चों कहाँ होगी, इधर, कहाँ होगी, इधर ही होगी ना। तो अगर इसकी दिशा बच्चों क्या हो गई, इधर, एक की दिशा इधर, तो ई नेट क्या हो जाएगा, ई नेट हो जाएगा E1 माइनस क्या हो जाएगा, E2, क्योंकि राइट वाले को हम प्लस ले लेंगे, लेफ्ट वाले को माइनस, तो ये हो जाएगा बच्चों। तो यहां से ई नेट आप जानते हो इसका मान क्या होगा, σ/2ε₀, और इसका मान σ/2ε₀, कट गया बच्चों, जो ई नेट आया क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एक चीज तो क्लियर हो गया ना कि इसके बीच में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या होगी, 0। क्लियर हो, इसका मतलब कि हम दो ऐसे प्लेट खड़ी कर दें, इधर का जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा इन दोनों पर आवेश है, इधर का जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा बच्चों इस साइड का,
वो सिग्मा पान एप्सिलॉन नॉट होगा और बीच में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब बच्चों हम क्या देखते हैं, रीजन, रीजन बच्चों थर्ड का देखते हैं। अगर रीजन थर्ड का बच्चों देखें तो तीसरे में क्या होगा, फिर से समझिएगा। अब यहां पर हम देखेंगे, अब ये इसके बाहरी साइड आ गया, ई की तो बच्चों दिशा किधर होगी, इधर होगी, और ई टू की दिशा बच्चों किधर होगी, इधर, ई वन की दिशा इधर और ई टू की दिशा भी इधर। अब दोनों एक ही दिशा में है तो जो मान होगा वो बच्चों किस में होगा, प्लस में होगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, ई नेट बराबर क्या हो जाएगा, ई वन वेक्टर प्लस ई टू वेक्टर, ठीक है। अब यहां से क्या करेंगे, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। अब ये क्या हो जाएगा, यहां से जरा देखिएगा, ई नेट बराबर क्या हो जाएगा, ई नेट बराबर टू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, क्या कट गया, तो ई नेट बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। क्लियर हो बच्चों, समझ में आया कि नहीं, ये बताओ। ये जब आप कैपेसिटर पढ़ोगे ना बच्चों, वहां पे आपको बहुत काम में आएगा, ठीक है। जब दो पहले हम कैपेसिटर रखेंगे तो वहां आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पता करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब बच्चों इसे मिटाते हैं, ठीक है, और फिर से अब जो हम लोग निकाले हैं उसके बारे में हम रख के समझा देते हैं आपको, ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। यार इतना मेहनत कर रहा हूँ, लाइक वगैरह कर दिया करो वीडियो को, और दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा यार शेयर कर दिया करो, ताकि कम से कम हमारा भी विकास हो, आपका ही नहीं, हमारा विकास होगा, हम प्रसन्न रहेंगे, आप भी प्रसन्न रहोगे। जितना ज्यादा हम मेहनत करेंगे उतना ज्यादा आपको भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम देंगे, हर चीज करेंगे, ठीक है। तो बच्चों देखो, जैसे एक ये प्लेट है, इसे तार मत समझना, एक ये प्लेट है, ठीक है, प्लेट को सामने, एक पतला प्लेट है, ठीक है, पतला पतला प्लेट, और उस पर बच्चों क्या है, आवेश है। तो बच्चों इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर होगी, किधर होगी, इधर, ठीक है। कितना होगा बच्चों, यहां पर ई बराबर सिग्मा अपान टू एप्सिलॉन नॉट, यही होगा। लेकिन बच्चों अगर प्लेट क्या हो जाए, मोटा हो जाए ऐसे, ये क्या है, ये उसकी मोटाई है, तो बच्चों हम इस पर आवेश देंगे, लेकिन आवेश कहाँ आएगा, इधर आ जाएगा, या तो बच्चों आवेश इधर दोनों तरफ आ जाएगा, ऐसे आवेश आएगा ना। तो बच्चों अगर हम यहां पर निकालें, हमने कहा बताओ इस बिंदु P पर अगर यहाँ आवेश है, सिग्मा घनत्व का आवेश है, तो यहाँ पर जो नेट E का मान होगा वो बच्चों अभी हम लोगों ने कितना निकाला था बताओ, सिग्मा अपान एप्सिलॉन, ठीक है। लेकिन अगर बिंदु बच्चों हम यहां कह दे, हम कहें यहां बताओ, तब भी बच्चों क्या होगा, ई बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, समझ में आ गया। फर्क क्या होगा, इसका डायरेक्शन ई का इधर होगा, ई का डायरेक्शन इधर होगा, क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा अब बच्चों हम इसके बाद जो अभी ये देखा सेकंड केस, इसके बारे में बात करें, अगर इसके बारे में बच्चों बात करें, समझे, तो क्या हो जाएगा कि हमारे पास एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, ठीक है, इस पर आवेश ऐसे है, ठीक है, इस पर आवेश ऐसे है, समझिएगा, पतला प्लेट है, मोटा नहीं, ठीक है, एक ये पतला प्लेट है, इस पर आवेश ऐसे है, और एक ये पतला प्लेट है, इस पर भी आवेश कैसे है, ऐसे, ठीक है पतला, बस समझ लो जूम करके, ठीक है। जैसे अगर ये आप इस सामने से देखो तो एक लाइन ही दिखेगी ना, थोड़ा अगर जूम करेंगे तो हल्का सा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, ऐसे। अब बच्चों यहां पर अगर देखें तो हमने कहा कि यहाँ ये पहला भाग, ये दूसरा भाग, ये तीसरा भाग, इसकी वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ई वन, इसका ई टू, ठीक है, और यहां पर क्या है, दोनों पर सिग्मा क्या है, सेम है, आवेश घनत्व क्या है, सेम है। हमने कहा बताओ यहां पर अगर हम कोई बिंदु लेते हैं, यहां पर कोई बिंदु ले, तो यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो आप कहोगे सर जी सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, होगा कि नहीं, ठीक है। इसकी दिशा बच्चों हमने कहा कि इधर होगा, तो आप कहोगे सर जी इधर होगा, ठीक है। हमने कहा अच्छा बताओ बीच में कितना होगा, तो आपने कहा सर जी यहां पर जीरो हो जाएगा, मतलब दो प्लेट पर अगर एक समान आवेश फैले तो उसके बीच में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या हो जाएगी, जीरो, समझ में आ गया।
हमने कहा बच्चों यहां बताओ कितना होगा, तो आपने कहा सर जी यहां सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसकी दिशा बच्चों इधर हो जाएगी, ठीक है। अब बच्चों इसी के तरफ पे देखो, हमने कहा यहां पर क्या होता है, जीरो होता है क्योंकि ये इधर डायरेक्शन या इधर डायरेक्शन। तो बच्चों हमने एक ये मोटा सा ऐसे प्लेट ले लिया, ठीक है, यहां पर ये इतना आवेश है, ठीक है, यहां पर ये ऐसे आवेश है, दोनों का आवेश घनत्व सेम है, तो इसका क्या हो जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट प्लस में, और इसका लेंथ तो बच्चों सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये लेफ्ट साइड है इसलिए हमने ले लिया। अब अगर हमने कहा बताओ यहां पर कुल कितना होगा, तो बच्चों क्या हो जाएगा, यहां पर निकालोगे तो ये एक दूसरे क्या कर देंगे कैंसिल, क्यों, क्योंकि बच्चों यहां पर एक दूसरे का जब कैंसिल कर देंगे तो यहां मान जो क्या हो जाएगा जीरो। तो ये अभी हमने बताया कि अगर हम आवेश देते तो वो कहाँ पर हो जाता है, यहाँ पर, कुल विद्युत की तीव्रता यहाँ क्या मिल जाएगी जीरो। समझ में आ गया बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आओगे, या कुछ बता दिया करो कभी कभी, ठीक है। अच्छा तो बच्चों ये इतनी बात हो गई, लेकिन बच्चों अब एक चीज और समझते हैं, केस थर्ड तीसरा समझते हैं। ये तो दो के दोनों जो हमने प्लेट रखा था, जो हमने बच्चों प्लेट रखा था दो के दोनों पर, केस थ्री में देखते हैं, केस थ्री जो बच्चों हमने एक यहां प्लेट रखा था ये वाला ऐसे, इस पर कैसा आवेश था, धनात्मक आवेश। हमने यहां पर जो रखा था उस पर कैसा आवेश था, उस पर भी धनात्मक, लेकिन अब बच्चों हम क्या करते हैं यहां ऋणात्मक आवेश कर दें। अगर बच्चों ऋणात्मक आवेश हमने कर दिया तो क्या होगा, तब भी तो तीन रीजन बनेगा, एक दो तीन, ठीक है। यहां बच्चों इसके कारण E1, इसके कारण E2, और इसका आवेश घन सिग्मा, इसका भी सिग्मा, देखते हैं कितना होगा, ठीक है। अब बच्चों अगर यहां से देखें रीजन वन में अगर देखें ई नेट, तब क्या होगा, तो बच्चों हमें क्या इससे जो मान मिलेगा बच्चों वो क्या यही मिलेगा, क्या यही मिलने वाला है बताओ। तो ये प्लस है, तो प्लस के कारण बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा बाहर की ओर होता है, तो यहां से क्या हो जाएगा E1 की दिशा इधर इधर की ओर हो गया। अब E2 की दिशा इस माइनस के कारण इसका लेंगे, तो आप जानते हो हमने स्टार्टिंग में ही एक चीज बताया था कि वैद्युत बल रेखा हमेशा प्लस से निकलता है और माइनस पर आकर मिलता है, बताओ। तो माइनस है तो माइनस क्या होगा आएगा, ये क्या होगा आएगा, इसका मतलब कि वैद्युत क्षेत्र की अगर प्लस आवेश के कारण ले तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ बाहर की ओर, अगर माइनस आवेश के कारण ले तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ अंदर की ओर। तो बच्चों अगर ये बाहर की ओर जा रहा है तो माइनस वाले कारण क्या होगा E2 की दिशा बच्चों क्या ऐसे होगा बताओ। तो इस वाले रीजन में अगर नेट लें, अगर हम लेफ्ट वाले को बच्चों क्या ले ले रहे हैं, लेफ्ट वाले को माइनस ले रहे हैं, तो राइट वाले को बच्चों क्या लेंगे, राइट वाले को हमें प्लस लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर बच्चों यहां से ई नेट निकालें तो E1 हमारा क्या हो जाएगा माइनस में, और E2 हमारा क्या हो जाएगा प्लस में, क्योंकि इसकी दिशा राइट की ओर है और इसकी दिशा लेफ्ट की ओर, और आप जानते हो ये भी समतल प्लेट है और ये भी, तो क्या दोनों से यही इतना बनेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस सिग्मा अपान टू एप्सिलॉन नॉट और प्लस सिग्मा अपान टू एप्सिलॉन नॉट, या बच्चों कट गया। तो यहां जो नेट ई नेट आया वो बच्चों क्या आ गया जीरो आ गया, ठीक है, इस साइड में क्या आ गया जीरो आ गया। अब बच्चों फिर से समझते हैं, इधर देखते हैं दूसरे रीजन में, रीजन सेकेंड में अगर यहां देखें बच्चों, तो अब बच्चों ये बताओ अगर ये ले तो इसकी दिशा बच्चों कहां होगी, इधर की ओर होगी E1 की दिशा, क्योंकि ये ऐसे जाएगा, और E2 की दिशा क्या होगी, वैद्युत बल रेखा ऐसे ही तो आएगी E2, बताओ बच्चों E2 ऐसे आएगी, तो दोनों की दिशा क्या है सेम है, तो यहाँ E नेट बच्चों क्या हो जाएगा E1 प्लस E2, दोनों राइट साइड है इसलिए पॉजिटिव लिया है, और ये क्या हो जाएगा सिग्मा पान टू एप्सिलॉन नॉट, और ये सिग्मा पान टू एप्सिलॉन नॉट, एक एक क्या हो जाएगा दो सिग्मा पॉइंट टू एप्सिलॉन नॉट, दो से दो कट गया, तो यहां से जो ई नेट है बच्चों क्या हो जाएगा सिग्मा पॉइंट एप्सिलॉन नॉट, ये बच्चों वैल्यू हो गई, क्लियर हो, कोई दिक्कत।
तो ये अंदर भाग में जो वैद्युत तीव्रता बनेगी ये बनेगी। अच्छा बच्चों अब हम क्या करेंगे, रीजन रीजन थर्ड में देखें। अगर थर्ड में देखें तो बच्चों देखो थर्ड में क्या होगा, E1 की दिशा बच्चों कहां होगी, इधर की ओर होगी E1 की दिशा, और E2 की बच्चों दिशा क्या होगी, E2 की दिशा अगर देखें तो यहां से क्या होगा, E2 क्या होगा आएगा ऐसे, बच्चों वैद्युत बल रेखा कहां अंदर की ओर आएगा, ये बच्चों क्या होगा E2 हो गया। अब दोनों की डायरेक्शन बच्चों क्या है, ये दोनों की डायरेक्शन क्या है विपरीत है, तो ई नेट बराबर क्या हो जाएगा, E1 प्लस में राइट साइड है और E2 बच्चों किस में माइनस में, वैल्यू रखते हैं ठीक है, वैल्यू रख दिया कट गया बच्चों क्या हो गया ई नेट क्या हो गया जीरो। अच्छा यहाँ पे कुछ बच्चे ये कह देंगे सर जी ये बताइए अभी तो आपने ऐसे किया था ठीक है, तो बच्चों हमारी बात को समझना कि अगर हम ये वाला प्लेट यहाँ रखे हैं तो बच्चों अगर हम इस साइड वाले की बात करें तो दिशा इस पर कैसा है माइनस आवेश है, इस साइड वाले की बात अगर हम करें कैसा है माइनस आवेश है, तो आएगा वैद्युत बल रेखा इधर सॉरी वैद्युत बल रेखा किधर आएगी इधर, लेकिन बच्चों अगर ये वाला ले लें तो यहां कहां आएगी इधर से आएगी, अगर ये माइनस है तो कहां आएगी इधर, और ये इधर इस साइड माइनस है तो कहां आएगी इधर। अब समझ में आ गया, तो यही चीज बच्चों तो एक चीज आपको समझ में आ गया होगा ठीक है। अब मोटे तौर पे जो ओवरऑल कंक्लूजन निकालते हैं आज के जो डेरिवेशन है इससे, तो हमारा कुल क्या हो गया, अगर बच्चों एक ये समतल प्लेट है, समतल प्लेट है इस पर आवेश आप इस पर कैसा है धनात्मक आवेश है एक समान रूप से, चाहे आप इधर निकालो चाहे आप इधर निकालो, E अपान टू एप्सिलॉन नॉट E का मान होगा और ये भी क्या होगा सिग्मा अपान टू एप्सिलॉन नॉट ठीक है। लेकिन बच्चों अगर हमने एक प्लेट ऐसे रख दिया, ऐसे रख दिया यहाँ पर और एक प्लेट ऐसे रख दिया, तो बच्चों इसके बीच में क्या हो जाएगा E का मान जीरो और यहाँ E का मान सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा और यहाँ पर भी एप्सिलॉन नॉट ठीक है। क्लियर हो बच्चों, इसकी दिशा इधर इसकी दिशा इधर, लेकिन बीच में क्या हो जाएगा जीरो याद रखिएगा। लेकिन बच्चों अगर हमने क्या कर दिया चार्ज के नेचर को चेंज कर दिया, यहां माइनस कर दिया ठीक है, यहां क्या कर दिया माइनस कर दिया, तो अब बताओ मेरे बच्चा यहां पर क्या हो जाएगा बाहर क्या हो जाएगा जीरो और यहां पर क्या हो जाएगा जीरो और यहां ई का मान क्या हो जाएगा ये सिग्मा अपान एप्सिलॉन ठीक है। तो जब दो प्लस प्लेट ऐसे रखे रहे तो इधर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट इधर भी सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट बीच में जीरो, लेकिन अगर उनके पोलरिटी को चेंज करते एक प्लस एक माइनस तो बीच में सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट बाकी बगल में क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। समझ पाया बच्चा, इसका उपयोग हम लोग बहुत तगड़े से किस में करेंगे कैपेसिटर में पढ़ेंगे जब संधारित्र पढ़ेंगे ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आया होगा ठीक है। अब बच्चों हमारे पास जो लास्ट हम लोगों का है कि कहते हैं एप्लीकेशन, वो है एक गोले के कारण, एक ऐसे गोला है यहाँ पर आवेश रखा है इससे यहाँ पर इसके अंदर और इसके बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है। तो बच्चों आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर अपनी राय को बताइएगा, आपको अच्छा लगा या नहीं अच्छा लगा जरूर बताइएगा, और जो सवाल वगैरह है बच्चों आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो 7897777452 ठीक है, आप इस पर सवाल के कहते हैं व्हाट्सअप कर सकते हो, जैसे हमें टाइम मिलेगा बच्चों हम सॉल्व करके उसे आपके पास भेज देंगे ठीक है बच्चों।